Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing very well. Firstly, I need to thank you all that ki tusi bahut hi zyada support kita and like kita first vlog nu. And ek second part hai ohi same vlog da jehda ki airport to airport hoga India to Canada. All the information about the traveling, flights, meals and sari information tanu is vlog ch milogi. वत वत लाइक कर दियो, शेयर कर दियो एंड सब्सक्राइब जरूर करियो. एंट्रेंस के बिल्कुल सामने फ्लाइट चेक इन इनफॉर्मेशन की स्क्रीन लगी हुई है. इधर से सारिया फ्लाइट्स डिपार्चर वो अकॉर्डिंग तुम चेक कर सकते हो थोड़ी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है कि नहीं. मेरी फ्लाइट इनडायरेक्ट सी एंड लंडन स्टे सी. सो फर्स्टली मेरी एयर इंडिया सी लंडन तक एंड अगो एयर कैनेडा सी. एयर इंडिया का जब मैं चेक किया तो डिपार्चर टाइम 2:40 सी एंड काउंटर एफ ते मैनू मेरी बोर्डिंग लिए जाना सी. मैं विदाउट वेट करिया पहुँच गई काउंटर एफ ते. इतने बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन सी जिन्हों मैं वेट किया. सो बी ऑन टाइम अगर बोर्डिंग करवानी है तो हजे मैं 3 घंटे पहले आई सी तो भी इन्नी लंबी लाइन सी. इतने मैनू मेरा बोर्डिंग पास एंड लगेज भी मेरा इतने ही सबमिट हो गया से 23 kg के 2 बैग से एंड 7 kg का मेरा कैबिन बैग सी एक लैपटॉप बैग सी. मैनू मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका सी. उस तो बाद मैं फॉलो किया इंटरनेशनल डिपार्चर नू. सीधा ही फॉलो कर दी गई तो एक डोमेस्टिक हुंदा है अगे इंटरनेशनल है. बी केयरफुल कि इंटरनेशनल ते जाना है तुसी चैकिंग वास्ते. इत्थे वीडियो प्रोहिबिटेड सी सो आई जस्ट क्लिक द पिक्चर. तो इत्थे जिहड़ियां भी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स हैगियां थोनों इस ट्रॉली च रख देनियां ने. अगर थोड़े लैपटॉप बैग से तुम कोई होर स्टफ कैरी कर रहे हो उन्होंने तुम वेच ही रहन दो तो बैग सीधा ही रख दो. जोड़ा थोड़ा कैबिन बैग है उन्होंने भी तुम उपर रखना है उन्होंने दोबारा चेक इन वास्ते ही. मेक श्योर तुम ए कोई भी सीजर या कॉस्मैटिक्स स्पेशली गर्ल्स कोई भी कॉस्मैटिक का समान इन्हें ना रखन अदरवाइज वो कड़ के अपने को रख लेंगे कोई फायदा नहीं होगा. नेक्स्ट काउंटर तो थोड़ा थोड़ा सारा समान मिल जाएगा. तुम देख सकते हो कि सारे इतने वेट कर रहे हैं अपने समान की एंड मैं बाय चांस सीजर पाती से अपने कैबिन बैग से एंड वह बहुत इशू हो गया सी एंड फिर मैंने अपना पैक अनपैक करके उन्होंने कट के देनी पई तो दोबारा पैक करना. सो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है अगर इंज करना पे. सो मेक श्योर कि पहले ही तुसी ध्यान रखना इहदा. नेक्स्ट मेरा गेट नंबर 10 है जिथे मैं वेट करनी है हुण जाके एंड डेली ड्यूटी फ्री तो एंटर किया है बिकॉज इतने ही सारे बोर्ड लगे हुए हैं. यू कैन सी कि इतने काफ़ी अच्छे डील्स मिल जाती ने प्रोडक्ट्स से. इफ यू वॉन्ट टू बाय ड्रिंक्स कॉस्मैटिक फ्रेगरेंस ऑल दैट थिंग्स अगर तुसी इंट्रस्टिड हो तुसी तो बाय कर सकते हो. अदरवाइज बस एवें जाना है सामने गेट्स दे लगे हुए हैं बोर्ड कि तुसी ओही एरो नू फॉलो करके जाना है. मेक श्योर बहुत तुरना पौगा एंड लत्ता भी टुट सकदियां ने. नेक्स्ट मैंने इतने देख गया कि फूड कोर्ट उपर है तो मैंने भुख भी बहुत लगी हैगी. मैं बिना कुछ सोचे समझे उपर गई. अगर थोड़े को क्रेडिट कार्ड या वीज़ा कार्ड है तो तुम लॉन्च भी एक्सेस कर सकते हो एंड फ्री से खाना खा सकते हो. मेरे को नहीं सी तो फिर मैं क्या भी बेइज्जती क्यों करवानी तो मैं फिर सबवे तो ही ऑर्डर कर लैनी हाँ. पेट पूजा करन तो बाद हुन मैं दोबारा तो जा रही हाँ गेट 10 वल. दोनों वट डू बट इतना साथ नहीं दे रही हूँ.
शुगर है बाबे, आ गया 10, आई हैव टू वेट, इतने जनता भी बहुत है। फ्लाइट से एंटर करने तो पहला इतने दोबारा टिकट चेक कर देने हो। एंट्रेंस तो ही थोड़ा असिस्ट कर देंगे कि थोड़ी केड़ी सीट है, एंड ऊपर ये थोड़े लगेज रखने लिए सेक्शंस बने हुए ने, तुसी अपने सीट अकॉर्डिंग अपना लगेज, कैबिन बैग, लैपटॉप बैग एंड जैकेट्स इतने रख सकते हो। एक छोटा जा पिल्लो एंड ब्लैंकेट प्रोवाइडेड सी फ्लाइट से, एंड इस तो बाद अगर आप स्क्रीन की गल करिए तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, खटारा जी लग रही है, तो रिमोट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कहता कोई मतलब ईजीली यूज़ नहीं कर सकता इनू। एयरफोन भी इन्होंने दिते हुए ने कि तुसी स्क्रीन ऑपरेट करके कोई मूवी या कोई म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। एंड ये लैफ्ट वाले हैंडल के उपर प्लग इन होना सी। टेक ऑफ तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट बाद पहला मेल आया जिहड़ा कि सी क्रंची कॉर्न, एंड इहदे नाल दो ऑप्शन सी एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। मैं एप्पल जूस लिया नाल प्लेन वाटर लिया। 10 मिनट बाद इन्होंने स्नैक्स देते सीगे, उहदे च सी एक वैजिटेबल पैटी, स्वीट कॉर्न एंड पनीर की कोई डिश सी, आई डोंट नो व्हाट। एंड इस तो बाद एक चॉकलेट ब्राउनी सी, अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्वीट कॉर्न दी बेल सी। एंड परसनली मैंने सब कुछ पसंद आ गया, बट वो पनीर टिक्का एंड ऑल वो मैंने बिल्कुल पसंद नहीं आया से, बहुत ही घटिया क्वालिटी सी उसकी। उस तो बाद मैनू मिली कॉफ़ी, कॉफ़ी उन्होंने एवं देती है कि जिदे जी मैं मिल्क एंड शुगर ऐड करना है। चलो जी आ गया सैकेंड मील। सैकेंड मील जे रब भला करे मैं कुछ नहीं खाते, कुछ वड़ा सी आई थिंक पोहा से नाल, दोनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार सी। एंड मैं सिर्फ इन्हों देखे ही है, खादा नहीं, जस्ट एक या दो बाइट्स लिया सी। इस तो बाद मैंने मफिन मिलिया, मफिन मैं खा लिया सी, फ्रूट योगर्ट बहुत ही ज़्यादा स्वाद सी, एंड बटर नाल मैं मफिन खा लिया सी, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे की फ्लाइट सी, एंड टाइम नहीं उन्होंने खवा पिया के सुआद था सीखा। देखो पंजाबियों का रश, एंड हम सारे वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उतरीए। फ्लाइट से निकलने तो बाद ही सामने बोर्ड से अराइवल्स का, जिन्हें भी अराइवल से उन्होंने उपर जाना सेगा, एंड उपर जाते ही आप देखे कि बहुत ज़्यादा तुरना पिया, तुर के बोर्ड लगे हुए थे और अकॉर्डिंग असी सिक्योरिटी चेक लिए पहुँचे। इतने वीडियो शूटिंग प्रोहिबिटेड सी, बट समहाउ आई शॉट सम क्लिप्स। तो इतने सारे की हो रही है चेक इन, इतने मेरी दूसरी फ्लाइट ली चेक इन हो रही है जोड़ी कि एयर कैनेडा है, एंड इतने भी प्रोसीजर सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं सेगा। थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स थोनू रखने ने उदे ट्रे चे, अगर थोड़े क्लोथ्स ने और तुसी बैग दे नाल ही रख सकते हो, अदरवाइज अगर थोड़े हाथ चे कोई मेटल दी चीज़ है, अगर तुसी कोई भी चेन या कड़ा कुछ भी एवं दी चीज़ वेयर कर रहे हो, तो थोनू थोड़े शू भी उतारने पैणगे थोड़ी चेकिंग वास्ते। तो चेक इन तो बाद तुसी फिर अगे प्रोसीड कर सकते हो। बी केयरफुल, अपने टेक्स्ट मैसेजेस का ध्यान जरूर रखो। अगर तुसी सेकंड बोर्डिंग लिए जाना है तो थोनू पहला टेक्स्ट मैसेज जरूर आएगा दैट बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो तुसी उत्थे पहुँचो। इन माई केस मैनू दोवें ही बोर्डिंग पास इंडिया तो ही मिल चुके सी, एयर इंडिया दैन एयर कैनेडा का भी। हुण इस लाइन च लगन तो बाद मैनू सामने वाले काउंटर ते अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना सीगा, जिदे च मैं ये पता लगना सेगा कि वैलिड है या नहीं। उन्होंने मैं अलाउ करता दैट यू आर गुड टू गो। टू बी रैली फ्रैंक, एयर कैनेडा की फ्लाइट एयर इंडिया तो फार बैटर सी, एंड इन्होंने भी सेम एक पिल्लो एंड एक ब्लैंकेट दी सी जिदी क्वालिटी थोड़ी अच्छी सी एयर इंडिया तो। एंड अगर मैं स्क्रीन की गल कराँ तो ये कोई भी रिमोट नहीं, टच स्क्रीन सी, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट सी। एंड
ईजी टू ऑपरेट सी ये बहुत सारिया मूवीज बच्चे वाले कार्टूनस गेम्स सारा कुछ सी एंड मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी सी एंड व्यू बहुत ही ज़्यादा सोहना सी बारों इवली फ्लाइट से पहले तो एयरफोन्स नहीं प्रोवाइडेड सी इन्होंने बाद जो टेक ऑफ तो बाद यही पूछ रहे थे जिन्होंने जरूरत है वो लै सकता है उन्होंने को एयरफोन्स की क्वालिटी अच्छी सी एयर कैनेडा की एंड 10 मिनट बाद ही सानू साडा फर्स्ट मील मिल गया सीगा जेदे जे सब तो पहला तो दाल सी राइस सीगे नाल आई डोंट नो की सीगा जेदे जे पोटैटो स्टफिंग सीगी मैनू बस यही पसंद आया दाल तो राइस तो मतलब बुरे ही हाल से मतलब खाने दिल नहीं करता से बन सी जेदे नाल नाल सानू मिलिया से बटर ये दोनों चीज़ा मैं फिर खा लिया सीगिया एंड पानी मूविंग टूवर्ड्स टू द स्वीट डिश की स्वीट डिश मतलब अच्छी सी स्वीट डिश ये सारे मील चो मैं सिर्फ तो सिर्फ स्वीट डिश ही पसंद आई मैं लग्या सी भी ये मैं पसंद आऊगा आलू पैटी और समथिंग बट ये पर ही की होया ये मिठी निकली जो मैं बिल्कुल भी एक्सपैक्टेड नहीं सी एंड टोटली हार्ट ब्रेकिंग सी लास्टली इन्होंने स्नैक्स जी एक लेटेस्ट पेस्ट्री दिती सी जिहड़ी मैनू फिर लगे भी ये मिठी ना होवे बट थैंक गॉड कि यह स्वाद सी आई वुड से बहुत ज़्यादा स्वाद सी ते इस तो बाद मैं एक बार उन्होंने कहा सीगा दैट आई वॉन्ट एप्पल जूस बिकॉज जो वो कॉफ़ी या मतलब टी सर्व कर रहे थे उदो मैं प्रॉपर नींद ची सी ते फिर मैं उन्होंने बोलता दैट आई वॉन्ट एप्पल जूस एज वैल फ्लाइट चो निकलन तो बाद थोनू कोई भी प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं हैगी कि आप हुण किधर जाना है किधर नहीं जाना बिकॉज कि थोड़े नाल होर भी कई जाने होंगे ने जिन्होंने एग्जिट ही करना होंगे तुसी सेम उन्होंने फॉलो कर सकते हो एंड वो थोनू बकायदा उत्थे पूछ भी लेंदे ने कि दैट तुसी एग्जिट करना है या थोड़ी कनैक्टिंग फ्लाइट है यू कैन से दैट कि मैं हुण एग्जिट करना है तो थोनू गाइड भी कर देंगे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सबमिट करेक्ट एंड एक्यूरेट इनफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट द एंट्रेंस प्रोसैस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कंट्री सो तुहानू सब तो पहले एक फॉर्म फिल करना है जिहड़ी कि यह मशीन से तुसी कर सकते हो अदरवाइज 72 आवर्स पहले तुसी अराइव कैन एप्लीकेशन यूज़ करके वो फॉर्म ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो जिदे नाल थोड़ा ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुहानू सिंपली अपना पासपोर्ट स्कैन करना है तो थोड़ी उही सारी इनफॉर्मेशन चखी जाएगी अदरवाइज थोड़ा इशू हो जाता है इतने भी एंड एक होर चीज़ दस देवा कि मेरा सरनेम ऐड नहीं सी मेरा पासपोर्ट ते या कितने होर एंड ये मशीन विदाउट सरनेम थोड़ी इनफॉर्मेशन नहीं चकती है फिर थोनू फिजिकली जाके ऑफिसर कोल अपना दोबारा सारी इनफॉर्मेशन जी फिलआउट करवानी पैंती है इनू डन करन तो बाद मैनू ऑफिसर ने ही दसता हैगा यू कैन कलैक्ट योर लगेज फर्स्ट दैन थोड़ा थोड़ा स्टडी परमिट मिल जाऊगा सब तो पहला ही इस बेल्ट दे मैं लगेज से वेट कर रही थी थैंकफुली मैंने ज़्यादा वेट करना नहीं पाया विद इन आई वुड से 30 सैकेंड्स और 40 सैकेंड्स मेरा लगेज सीधा ही डायरेक्ट आ रहा है मैंने देख गया भी एक बैग आ रहा फिर दूजा भी आ गया एंड आई कलैक्टेड सब तो पहला मैं इतों एक टोकन लिया टोकन लैन तो बाद मैं थोड़ा जहा वेट किया तो उस तो बाद मैंने मेरा स्टडी परमिट मिल गया सीगा कुछ ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे थोड़िया बहुत रिसीट्स या एलओए वगैरह उन्होंने देखी सी उस तो बाद उन्होंने मैंने कहा कि दैट यू आर गुड टू गो मेरा स्टडी परमिट मैंने देता एंड आई वॉज़ गोइंग कि जी ये मेरे हाथ से येलो कलर की स्लिप सी ये मैं बाहर गेट से मतलब एग्जिट करन टाइम उन्होंने सबमिट करवानी सी फ्लावर्स भी